वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चो अज असी गल करते हाँ नेकी और बदी दी। गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच मनुख नू नेकी नू अपने जीवन का आधार बनाउन वास्ते थां थां प्रेरणा कीती है। इस नाल संबंधित गुरबाणी विच अनेकां फरमान मिलते हैं जिवें बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है जो गुर दस्सै वाट मुरीदां जोली है कि मनुख नू अपने जीवन दे विच सच नू अपना आधार बनाउना चाहीदा है। साचा नाम मेरा आधार। मनुख अपने तन मन और धन तीन तरीकियां दे नाल नेकी करदा है। मन नाल नेकी करन दा भाव है कि अपने मन दे विच सरबत दे भले दे विचारां नू धारण करना, हर समय मन दे विच ए फुरना बनाउना कि किवें ना किवें मैं सरबत दा भला कर सकां, मेरे बोलां दे नाल मेरे कर्मां दे नाल किसे नू कोई दुख जां तकलीफ ना होवे। दूसरा अपने तन दे नाल, असीं अपने तन दे नाल किसे अंधे मनुख नू डंगोरी बन के सहारा दे सकदे आं, किसे डिगे हुए नू उठा सकदे आं, किसे दे कीते जा रहे भले दे कर्म विच तन करके उहदा सहयोग कर सकदे आं। ते आखर विच धन दे नाल सानू गुरु साहब जी ने अपने धन दी वी योग वरतों करन वास्ते प्रेरणा कीती है। गुरु साहब जी ने फरमाया है कि नेक मनुख दा धन उस दे वस्त्र उस दा सारा कुछ ही पवित्र हुंदा है। तिनका खादा पहिंदा माया सब पवित्र है जो नाम हर राते, क्योंकि नेक मनुख कदे भी अपने धन दी दुरवरतों नहीं करदा। जिवें कि ओ अपने धन नू नशियां दे विच बुराई दे विच गलत थावां दे उत्ते वरतों विच नहीं लिआउंदा। उसदा धन मनुखता दे भले वास्ते हुंदा है। इस करके गुरु साहिब जी ने गुरबाणी विच उसदे धन नू वी धन कहा है कि तेरे वल्लों दित्ती हुई जिहड़ी माया है ओह वी पवित्र है, ओह वी धन है, क्योंकि इस दे नाल मनुखता दा भला हुंदा है। सो असीं तन मन और धन करके नेक कर्म कर सकदे हां। सानू सतगुरु जी ने थां थां ते गुरबाणी विच नेक मनुख बनन दी जिथे प्रेरणा दित्ती है उथे एक नेक मनुख दा आदर्शक जीवन भी कई गुरसिखां दे जीवन दे रूप विच पेश कीता है, जिन्हां विचों बाबा बुढ़ा साहब जी भाई दया सिंह आदिक अजिहे गुरसिख हन जिन्हां ने हर दुख दे विच सुख दे विच नेकी नू अपने जीवन दा आधार बना के रखिया। गुरु साहिब जी ने गुरबाणी दे विच इह स्पष्ट कीता है कि नेक मनुख जदों किसे कर्म वास्ते तुरदा है तां उहनूं एक नहीं अनेकां मुश्किलां जीवन दे विच आउंदियां हन, पर गुरबाणी विच गुरु साहिब जी कहिंदे हन आगाहां कुतरांग पिछा फेर न मुह डड़ा, कि नेक मनुख अगाह नूं चलण दी तांग रखदा है, उह पिछे परत के कदे नहीं वेखदा, क्योंकि नेकी कीती होई दा नतीजा जिहड़ा है उह कदे भी माड़ा नहीं हो सकता। नेकी करन विच मुश्किलां जरूर आउंदियां हन, गुरु साहिब जी दे जीवन विच भी आईयां, गुरसिखां दे जीवन विच भी आईयां, और अज भी जदों कोई इस नेकी दे राह ते तुरदा है तां गुरु अमरदास महाराज जी ने तां इस नूं खंडे दी धार उत्ते तुरन दे बराबर तुलना दित्ती है कि खन्न्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाणा, कि इह नेकी दा जिहड़ा मार्ग है खंडे दी धार उपर तुरन वाला मार्ग है, पर इस मार्ग दे उपर तुरन वाले मनुख नू अखीर दे उपर जाके जिथे मनमुख लोग पछताउंदे हन उथे अखीर दे उत्ते जाके उहदे मन दे विच विगास हुंदा है, खेड़ा हुंदा है कि ओ अपने जीवन दी बाजी जिहड़ी है ओ जित के चलिया है। हार चले गुरमुख जग जीता, गुरमुख इस जगत नू जित के इस संसार तो जांदे हन। दूजे पासे जदों असीं बदी दी गल करदे हां ਤਾਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਲੋਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਕੋ ਧਾਵੇ ਅਗੁਣ ਧੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
बद मनुखां नूं बदी नूं धारण करन वाले मनुखां तों वी सानू दरकिनार होण वास्ते कहा। जिवें कबीर साहब जी कहिंदे ने, हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बातन ही असमान गरावै, ऐसे लोगन स्यों क्या कही है। जो प्रभ किए भगत ते बाहंज, तिन ते सदा डराने रही है। बद मनुख की संगत, बदी धारण करने वाले मनुख की संगत नूं कबीर साहब कहिंदे ने इस तरह है जिवें कि किसी बेरी दे दरख्त दे नेड़े कोई केले दा दरख्त उग पवे। किसी स्याणे मनुख ने कहा कि बेरी अपने थां, केला अपने थां, इहदा बेरी दे नाल की संबंध। पर जो समा लंघिया तो स्पष्ट हो गया कि माड़ी संगत मनुख नूं किस तरीके नाल तबाह करदी है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे हन, हनेरी आई दोवें दरख्त वड्डे होए, केले दे दरख्त ने वड्डे वड्डे पत्ते कढ ले और बेरी दे दरख्त ने तिखे तिखे कंडे कढ ले। ते कबीर साहब जी कहन लगे, उस हनेरी दे नाल ओ झूलै ओ चीरिया साकत संग ना हेर। कहिंदे बेरी दे दरख्त दे कंडियां ने केले दे दरख्त दे पत्तियां नूं लीरो लीर कर दिता। इसे तरीके दे नाल मनमुख की संगत, बद मनुख की संगत जिहड़ी है ओ जिंदगी नूं जीवन नूं तबाह कर दिंदी है। बद मनुख जिथे आप हर समय अंदर एक अग दे विच सड़दा रहिंदा है, जिस नूं गुरु साहब जी ने कहा कि तू बाहरों किसे बद मनुख नूं वेख के ए भुलेखा ना खाई कि यह बड़ा सुखी होएगा। उन्हां दी हालत इस तरह हुंदी है जिवें पापी कर्म कमावंदे करदे हाए हाए, नानक ज्यों मथन मधाणियां। मधाणी वेखण नूं बाहरों तां ठीक लगदी है पर जिवें अंदर दुध दी उहने चक्री कमाई हुंदी है, उहदा जां ते दुध नूं पता हुंदा जां अंदरों मधाणी नूं पता हुंदा कि अंदर की चलदा पिया। महाराज जी ने बाणी च बचन कहे, पापी कर्म कमावदे करदे हाए हाए, नानक ज्यों मथन मधाणियां त्यों मथै धर्म राय। जिवें मधाणी दुध नूं मथदी है, दही नूं मथदी है, इसे तरीके नाल धर्मराज उहनां मनुखां नूं मथदा है। ते गुरु साहब जी ने बाणी दे विच बचन के, अन काए रतड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। जेड़ा मनुख पापा नूं अपने जीवन दा आधार बना लैंदा है, जेड़ा सारा जीवन पापा विच गलतान रहिंदा है, गुरु साहब जी कहिंदे ने अखीर ते उस दे अखां दे विच पछतावे दे अथरुआं तों बिना कुछ भी नहीं बचदा। उसका सारा जीवन पापा दे विच लंघिया हुंदा है, जिस दे कारण जदों अंत समा आउंदा है ते गुरु साहब जी दसदे ने कि ओ अपने कीते हुए कर्मां नूं याद कर करके एहो जी अग दे विच सड़दा है, पछतावे दी एहो जी अग दे विच सड़दा है जिथों उस नूं कोई भी बाहर नहीं कढ सकदा। सो सानू आपां जदों इतिहास वल वेखदे आं जां पुरातन गुरसिखां दे जीवन वल वेखदे आं ते गुरु साहब जी ने सानू एक आदर्शक मनुख जिस दी जिंदगी दा आधार नेकी है ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਨੇਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਦ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਵੱਜੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਮੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
अज दो सोने दी मोहरां मिलियां ने, इहदे पिछले कर्म चंगे सन, इहनूं सोने दा भरिया घड़ा मिलना सी, पर इहने बदी कर करके अपना सारा सोना कोले कर लिया। ते जिस मनुख नूं अज सूल चुभी है, इहदे पिछले कर्म माड़े सन, इहनूं अज सूली ते चाढ़िया जाणा सी, पर चंगी संगत दा नतीजा इह होया कि इस दी जिहड़ी सूली ते इस नूं चाढ़िया जाणा सी, उह इक पैर विच सूल जिहड़ी चुभी है, उहदे नाल इहदे पिछले कर्मां दा निपटारा हो गया। सो प्यारे बच्चिओ, सानूं नेकी नूं अपने जीवन दा आधार बनाउणा चाहीदा है। बदी करन विच कुछ समय वास्ते रस स्वाद जरूर आ सकदा है, पर इहदा नतीजा कदे भी चंगा नहीं हुंदा। नेकी करन विच मुश्किलां जरूर आ सकदियां ने, पर इहदा नतीजा जरूर चंगा निकलदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।